नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और इस बुलेटिन में शुरुआत में आपको बताते हैं यूक्रेन की इस वक्त क्या स्थिति है। यूक्रेन पर रूसी कहर का जो 67वां दिन है, रूस यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ओडेसा एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है। रूसी मिसाइल हमले में ओडेसा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उधर मारियोपोल में रूस ने यूक्रेनी स्टील प्लांट को निशाना बनाया है। बूचा एक बार फिर रूसी नरसंहार की दर्दनाक तस्वीरें दिखा रहा है। लोकल पुलिस के मुताबिक हाथ बंधे हुए 3 शव बरामद हुए हैं, जिनकी हत्या सिर में गोली मारकर की गई है। तो बूचा में फिर सामने आई रूसी बर्बरता की तस्वीरें। बूचा नरसंहार से जुड़ी तस्वीरें पहले भी एक बार सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया दहल गई थी। कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि किस तरफ, किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है और क्यों रूस आम नागरिकों को यूक्रेन में निशाना बना रहा है। हालांकि तमाम आरोपों को रूस लगातार खारिज करता रहा है, लेकिन बूचा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और 67वें दिन भी लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन के शहर हमले हो रहे हैं। बूचा में रूसी बर्बरता की तस्वीरें सामने आई हैं। बूचा में हाथ बंधे 3 शव मिले हैं, ऐसा यूक्रेन पुलिस द्वारा बताया गया है। यूक्रेनी शहरों पर 67वें दिन भी रूसी कहर जारी है। ओडेसा एयरपोर्ट पर रूस ने मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद बहुत तबाही वहां पर देखने को मिली है। रूसी मिसाइल हमले में एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से तबाह हो गया है। मारियोपोल में स्टील प्लांट पर रूस की भारी बमबारी हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मिसाइल से हमला हुआ है। खार्कीव पूरी तरह से तबाह हो गया है। रूसी टैंकों का प्रहार भी लगातार जारी है। तो यूक्रेनी शहरों पर 67वें दिन भी रूसी कहर जारी है। मिसाइल से रूस हमला कर रहा है और इन हमलों की वजह से खार्कीव, जो कि कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का, वहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। रूसी टैंकों का प्रहार अलग अलग शहरों पर यूक्रेन के लगातार जारी है। 9 मई यानी रूस के लिए विक्ट्री डे। इसी दिन रूस पूरे विश्व के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है और ये डर अब बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो अब रूस के पैंतरे नहीं समझ पा रहा है। नेटो के पूर्व चीफ ने सभी पश्चिमी देशों को तैयार रहने की सलाह दी है। वो मानते हैं कि पुतिन का मूड कभी भी बदल सकता है। बस चंद दिन और पूरी दुनिया आकलन करती रह जाएगी और पुतिन एक और महायुद्ध शुरू कर चुके होंगे। विक्ट्री डे से पहले जीत की ट्रॉफी पुतिन को चाहिए ही चाहिए, और अगर ये ट्रॉफी नहीं मिली तो 9 मई से लेकर अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये पूरा युद्ध ही खत्म हो जाएगा। यकीनन ये युद्ध रूस की ओर से नहीं बल्कि यूक्रेन की ओर से खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन की ओर से लड़ने वाला कोई बचेगा ही नहीं। Мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. या तो हम यूक्रेन से युद्ध हारेंगे या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। अपने नेता पुतिन को जानते हुए मुझे लगता है कि विश्व युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। मुझे आशंका है कि इस युद्ध का खात्मा परमाणु हमले के साथ होगा। ядерным ударом мне представляется все же более вероятным। अभी हाल ही में रशिया टीवी के एडिटर इन चीफ ने युद्ध के खत्म होने की आशंकाओं पर अपनी बात रखी थी। उनकी न्यूक्लियर वाली सोच ही नाटो के चिंता का विषय है। पुतिन कई बार दोहरा चुके हैं कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अगर कोई देश आया तो रूस उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। रूस की धमकियों को अब नाटो देश हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूस की विक्ट्री डे परेड नजदीक है। अब केवल 9 दिन बचे हैं। कल ही ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस परेशान थे, क्योंकि उन्हें पूरा अंदेशा है कि 9 मई को पुतिन यूक्रेन के खिलाफ और उसकी मदद करने वाले देशों के खिलाफ बड़ी जंग का ऐलान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आज पूर्व नाटो चीफ रिचर्ड शेरिफ ने भी पश्चिमी देशों को यूक्रेन युद्ध में कमर कस लेने की अपील की।
रिचर्ड शेरिफ ने पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मामले में रूस के साथ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर लेने की सलाह दी। वो मानते हैं कि रूसी सेना को कीव की असफलता खाई जा रही है। यूक्रेन युद्ध अब तीसरे महीने तक खिंच गया है। यूक्रेन जैसे देश से रूस लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता था। वो तो ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध का लंबा खिंचना। और आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। ENBA अवार्ड 2021 में आज तक ने कई कैटेगरीज में अवार्ड जीता। आज तक ना सिर्फ नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बना बल्कि बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का खिताब भी सुप्रिय प्रसाद को मिला है। बेस्ट एंकर का सम्मान श्वेता सिंह और सईद अंसारी को मिला है। बेस्ट टॉक शो का अवार्ड हल्ला बोल के नाम हुआ है, जबकि बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम में बजट बाजार को अवार्ड मिला है। पत्रकारिता में योगदान के लिए रोहित सरदाना को मरणोपरांत ENBA का स्पेशल अवार्ड मिला। सुप्रिया प्रसाद आज तक इस कश्मीर को कोई मिटा नहीं सकता। किसान आंदोलन कवरेज आज तक द बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी द गोल्ड गोस टू हल्ला बोल आज तक। और आज तक फिर बन गया नंबर 1 न्यूज चैनल। ENBA 2021 अवार्ड समारोह में सम्मान का ऐलान होता रहा और आज तक पर किताबों की बारिश होती रही। खबरों की दुनिया में आज तक ने फिर से अपना लोहा मनवाया। तभी तो 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं बल्कि आपके पसंदीदा चैनल आज तक ने पूरे दमखम के साथ अपने नाम 39 खिताबों का ताज जोड़ा। इसमें कोहिनूर जड़ा था सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल के सम्मान का, जो 14वीं बार मिला। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर लास्ट में तो यहाँ जो बैठे लोग होते हैं उन्हें तसल्ली होती है कि अब ये खत्म होने वाला है और ये एक तरह से एनवा का नियम बन गया है कि अंत भला तो सब भला। तो ये अंत में आज तक को अवार्ड देकर ये लोग इसको माने पूरे अवार्ड समारोह को समापन करने की परंपरा है वो इस बार भी इन्होंने निभाई है। मैं ENBA को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी जूरी की टीम थी उन सभी को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे पत्रकारिता में लाया था, वो इस जूरी के चेयरमैन थे हरिवंश जी, मैं उनको खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी जितनी मैंने हमारी टीम को, हमारे मैंने प्रोड्यूसर्स को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, सभी लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने प्रोत्साहित किया है ये हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराने के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है हमारे लिए। ये आज तक की बादशाहत का ही नतीजा है कि प्राइम टाइम शो से लेकर प्रोग्रामिंग तक, एंकरिंग से लेकर न्यूज रिपोर्टिंग तक और प्रोमो से लेकर वीडियो एडिटिंग तक कमोबेश हर खिताब आज तक के साथ जुड़ा। सुप्रिया प्रसाद आज तक। बेस्ट न्यूज डायरेक्टर का सम्मान भी सुप्रियो प्रसाद को मिला। बेस्ट एंकर अवार्ड भी श्वेता सिंह और सईद अंसारी के खाते में गया। बेस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम का अवार्ड भी श्वेता सिंह को मिला। शो कैटेगरी में बेस्ट टॉक शो का सम्मान अंजना ओम कश्यप के हल्ला बोल के नाम हुआ। वहीं नेहा बाथम को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बजट बाजार के लिए सम्मानित किया गया। बेस्ट न्यूज कवरेज में किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग के लिए आज तक को खिताब मिला। बेस्ट प्राइम टाइम शो में स्पेशल रिपोर्ट की कामयाबी का परचम लहराया। बेस्ट वीडियो एडिटर हिंदी के लिए आज तक को 2 शो के लिए अवार्ड मिला। सुबह के प्राइम टाइम शो यानी बेस्ट ब्रेकफास्ट शो में 9 बज गए ने झंडे गाड़े। सिर्फ आज तक ही नहीं, सहयोगी इंग्लिश न्यूज चैनल इंडिया टुडे ने भी इतिहास रचा है। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का सिल्वर अवार्ड मिला है। इंडिया टुडे ने भी कुल 32 अवार्ड पर कब्जा जमाया है। पत्रकारिता में खास योगदान के लिए मरणोपरांत रोहित सरदाना को स्पेशल पुरस्कार से नवाजा गया।
ये अवार्ड उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित ने हासिल किया। आज की शाम इसके बाद मेरा नॉमिनेशन नहीं है, इसके बाद मैं ऊपर नहीं आऊंगा। चलने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जिस दौर में हम लोग इस समय हैं, आए दिन आप लोग सुनते होंगे बड़ी मुश्किल हो रही है, सवाल नहीं पूछने दिया जाता, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये आज जितने अवार्ड मिले सब सवाल पूछने के लिए। हम बता दें कि 30 अप्रैल को ही साल 2021 में आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। डिजिटल की दुनिया में भी लगातार अपना विस्तार कर रहे इंडिया टुडे ग्रुप को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज तक .in और indiatoday.in को बेस्ट डिजिटल मीडिया का खिताब मिला है। खबर मतलब सिर्फ आज तक, ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता। खबरों की दुनिया में अपनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और निष्पक्षता के बाद ही कभी न टूटने वाला भरोसा बनता है। ENBA समारोह में आज तक ने फिर से यही साबित किया है। कोई नहीं दूर दूर तक, सिर्फ आज तक। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।